बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे बहुत ज़बरदस्त चीज़ और बहुत ही शानदार चीज़। और ये चीज़ ज़रूरी नहीं कि आपने पहले से ना पढ़ रखी हो, लेकिन इस अंदाज़ से कभी नहीं देखा होगा। वो है जी प्रोग्रेसिव फॉर्म। प्रोग्रेसिव फॉर्म जो होती हैं वो हमेशा बी की होती हैं। आमतौर पर हम समझते हैं कि बी तो एक वर्ड है और एक वर्ब है और बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम इसकी बाकी जो वेरिएंट्स हैं वो हमारे दिमाग में नहीं होते और हमारे कहीं सामने से गुजरते हैं यूज़ के लिहाज से, सेंटेंस के लिहाज से, तो हम उसमें उस तरह गौर नहीं करते। चलें जी, बी की जो वेरिएंट्स हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। बी का ये भी वेरियंट है इज़, आर, एम, ये आमतौर पर प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करते हैं। इसका ये भी वेरिएंट है वाज, वर, ये हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। इसका ये भी एडिशनल वेरिएंट्स हैं बी, बीन और बीइंग, ये आमतौर पर पैसिव वॉइस में हम या परफेक्ट में जाके कहीं यूज़ करते हैं। तो लिहाजा अगर आप देखें, हम ये देखना चाहते हैं कि जो बी के वेरियंट्स हैं यानी इसके जो प्रोग्रेसिव फॉर्म्स हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल जी, सामने एग्जाम्पल्स मौजूद है। द रिपोर्टर वाज राइटिंग हर स्टोरी, एक तो ये है जी कंटिन्यूस में ये यूज़ होंगी। वो कंटिन्यूस प्रेजेंट भी हो सकता है, वो पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। और उसमें इनका किरदार जो है, अगर आप देखें पहले ज़रा एग्जांपल्स देख लेते हैं और फिर फैसला कर लेते हैं, जजमेंट दे देते हैं कि जनाब इस सेंटेंसेस में ये क्या रोल प्ले कर रही हैं। चलें जी, फर्स्ट द एग्जांपल्स, द राइट राइटिंग हर स्टोरी। अब इसमें वॉज और राइटिंग, अब वॉज इसमें हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब राइटिंग है। He is controlling his temper, इसमें is helping verb है, controlling main verb है। They were watching the movies, यहाँ पे were जो है वो helping verb है और watching main verb है। I am doing, इसमें doing main verb है और am जो है ये helping verb है। And you are learning, इसमें learning main verb है और जो are है ये helping verb है। तो पहली बात तो जो हमारे दिमाग में आती है यानी इस एक्सपीरियंस से जो हम जिस नतीजे पे पहुँचते हैं वो ये है कि जो बी है यानी जो बी की प्रोग्रेसिव फॉर्म है, दे आर ऑलवेज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स। अब आप देख लें कि इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब, इट इज़ फॉलोड बाय अ मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इट इज़ आल्सो फॉलोड बाय अ मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है जी, तो यहाँ से एक रिजल्ट ये निकलता है कि प्रोग्रेसिव की बी जो है, बी फॉर्म है इसकी, जिसे हम बी प्रोग्रेसिव कहते हैं, क्या ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ही हमेशा यूज़ होती है। ठीक है जी, अगर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होगी तो उसकी अलामत ये होगी कि उसके बाद मेन वर्ब कहीं ज़रूर यूज़ होगा। थैंक यू।